में हम लोग पहली बार सरकार में शामिल हुए और उस समय उस दौरान में 5 साल में लगभग बिहार को आदरणीय लालू जी ने 1,44,000 करोड़ रुपए बिहार को दिलाने का काम किया। जरा नीतीश कुमार जी से हिसाब मांगिए तो बताएं नीतीश कुमार जी कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। आप 15 साल में बिहार को गरीब बनाने का काम किए, लूटने का काम किए और जगह जगह देखते होंगे भाषण में नीतीश कुमार आंकड़े देते हैं। कौन सा आंकड़ा देते हैं नीतीश कुमार जी? तो फलना बिहार का बजट जो था 90 का जब दौर था, जब जंगल राज था, अब तो राक्षस राज है। आप देखिएगा जो जंगल राज का बताते थे कि इतना बजट में इतना 1,000 करोड़ पहले बिहार का पूरा समूचा बजट था, अब हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद लाखों करोड़ रुपए का बजट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप ये आंकड़ा देते हो तो ये आंकड़ा 1990 से पहले का भी देना के काम कीजिए। उस समय बिहार को क्या मिला था, क्या था बिहार के पास जब आदरणीय लालू जी 1990 में मुख्यमंत्री बनने का काम किए थे? रेलवे स्टेशन से लेकर के गांधी मैदान जो था वो आप कह सकते हैं नीलाम होने जा रहा था। जब लालू जी सत्ता में आए तो आप समझिए कि बिहार पे लगभग 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपका डेफिसिट था, यानी नुकसान में था बिहार। जब लालू जी आए तो 2200 करोड़ रुपए के नुकसान में था और जब हमारी पार्टी सत्ता में रही लगभग 2005 तक, जाते जाते हमारी पार्टी ने बिहार सरकार के खजाने में मुनाफा देकर के देने का काम किया। जो 2200 करोड़ नुकसान में थे वही 3700 करोड़ मुनाफा में नीतीश कुमार जी को देने का काम किया। आप 1990 से लेकर के 2005 तक का आप जीडीपी निकलवा लीजिए, हमेशा जो है तरक्की की। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। अगर आंकड़े की बात करते हैं तो जो जगदा संघ जी ने जो चुनौती देने का काम किया, आए बहस कर ले, चाहे सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये कहीं टिकने वाले नहीं है। आप लोग देखिए आज ये स्थिति बनी हुई है, आज ये स्थिति बनी हुई है बिहार में कि एक बिहारी पर, हमारी संख्या कितनी 12 करोड़ होंगे, एक बिहारी पर लगभग मिनिमम 25,000 कर्जा हो गया है। यानी आप पे एक व्यक्ति पर 25,000 कम से कम कर्जा हो चुका है। ये कहां से? लालू जी तो 3700 करोड़ रुपए मुनाफा में देखे गए थे, आज बिहारियों पर कर्जा हो गया एक व्यक्ति पर लगभग 25,000। यानी बिहार की खजाने की लूट हुई है, उसलिए हमने लूट एक्सप्रेस कहा।